हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। स्वागत है आप सबका और एक नए लाइव स्ट्रीम। अरे जेरी, ये तो अनबॉक्सिंग वीडियो है, क्या बोल दिया तूने? अबो सो गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए नवेले दुल्हन जैसे वीडियो में, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरे नए हेडफोन्स की, जो पीसी के लिए कंपैटिबल है। और ये मैं अपने प्रोफेशनल चाकू से अनबॉक्सिंग करते हुए, उसका मुर्दा पाड़ते हुए वन साइड ईजी थे। तो ये निकला डब्बे के अंदर से और एक डब्बा, और इस डब्बे के अंदर है कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स यूरोपा आरजीबी 7.1 ड्यूअल ड्राइवर वाले हेडसेट। अब इस हेडसेट की खासियत ये है कि ये ड्यूअल ड्राइवर के साथ आते हैं, और ये ड्यूअल ड्राइवर आपको साउंड एनहांसमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और आपके जो 7.1 सराउंड साउंड है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। गाइज, मैं ये हेडफोन्स गए 7-8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे हेडफोन्स है। और इसकी जो 7.1 सराउंड साउंड है, उससे ऐसा लगता है कि कतई आप थिएटर में बैठे हो। भाई साहब, कल मैं हॉरर पिक्चर देख रहा था, फटके हाथ में आ गई थी, वाट लग गई थी। कल रात को मैं 4 चादर ओढ़ के सोया था, फिर भी डर रहा था। भाई साहब, बहुत क्लियर आवाज़ है। तो अब बात आती है इसके साथ अपने को डब्बे में क्या मिलता है। तो इसके साथ अपन को डब्बे में मिलती है एक सीडी, एक यूज़र मैनुअल और एक कैरिंग पाउच। तो अपन को तो वो यूज़र मैनुअल का कुछ है नहीं, अपन तो लिखा पढ़ी करेंगे नहीं, अपन से तो होती नहीं, अपन सब यूट्यूब से देखेंगे और यूट्यूब से ही कर लेंगे। तो इसके बाद आता है अपन के पास कैरिंग पाउच। तो कैरिंग पाउच, इसका उपयोग अपन इस हेडफोन को कैरी करने में कर सकते हैं, और किसी का गला घुटने में भी कर सकते हैं, हालांकि वो मरेगा नहीं। तो अब बात आती है इस सीडी की। इस सीडी में क्या है? इस सीडी में है भाई कोई पिक्चर विक्चर नहीं भाई, या गेम वेम नहीं है। इसमें है इस हेडफोन्स के ड्राइवर, और इस हेडफोन के ड्राइवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीडी लेके सिंपली आप प्लग इन कर लो, प्लग इन नहीं बे, इंसर्ट इंसर्ट करो। और अगर आपके पास सीडी ड्राइव नहीं है, नो इशू, आपको इसके ड्राइवर्स कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब बात आती है इस वायर की। ये वायर है ना, बहुत जीव घेना डेंजरस वायर है। ये वायरस से भी डेंजर वायर है, क्योंकि ये इतना बड़ा वायर है, इतना बड़ा वायर है, कतई 2 मीटर का वायर है, तो आपके गले में अटक भी सकता है और आपका जीव जा भी सकता है, तो काळजी लो। तो इतनी बड़ी वायर का उपयोग क्या है, क्या है इसका यूजेज? तो इसका यूजेज ये है कि अगर आपके सीपीयू को आगे 3.0 का सपोर्ट नहीं होगा और आपके मदरबोर्ड को होगा, तो आप इजीली पीछे प्लग इन करके आगे मज़ा ले सकते हैं। साउंड कहाँ, साउंड का भाई कुछ और मत समझ लेना, क्योंकि लौंडे बहुत तेज हो रहे। तो जैसे कि आपने देखा गाइज, मैंने जैसे ही 3.0 वाले यूएसबी पोर्ट में मेरे हेडफोन्स प्लग इन कर दिए, वैसे ही अपनी आरजीबी लाइटिंग है वो चालू हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी लग रही थी भाई लाइट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्राई किया कैसे दिखते। और ये जो आप इतनी छोटी सी चीज़ देख रहे हो, ये बहुत ही छोटी चीज़ है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप माइक हैंडल कर सकते हो बंद और चालू करने के लिए, और माइक के नीचे का जो बटन है, उस बटन से आप आरजीबी लाइट आपकी हैंडल कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे उसमें, आपको स्टेबल चाहिए तो स्टेबल मिलेगा, आपको वेव चाहिए वेव मिलेगा, आपको नियॉन चाहिए नियॉन मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लाइटिंग इफेक्ट है उसमें। और आप ये रिमोट से हैंडल कर सकते हो, और आपके पीसी में जो ड्राइवर इंस्टॉल है उससे भी हैंडल कर सकते हो। अगर आपको आपका इयररिंग इफेक्ट चेंज करना है, मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो तो मूवी इफेक्ट चाहिए,
और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो इफेक्ट चाहिए, नहीं तो आप गाने सुन रहे हो तो गाने का इफेक्ट चाहिए, तो उसका बटन भी वहीं पे है। उसका इक्यू नाम से बटन रहेगा, उससे आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो और आपके जो इफेक्ट्स है वो भी चेंज कर सकते हो। उसी के बगल में आपको आपका 7.1 सराउंड साउंड वाला इफेक्ट जो है वो मिलेगा, उससे आपका हियरिंग जो है वो 3D में तब्दील हो जाएगा। और उसी के नीचे एक बटन है ENC, वो मुझे पता नहीं कौन सा है क्योंकि मैं बहुत बार यूज़ किया पर वो पता नहीं क्या होता है उससे। जाने दो, अपन YouTube से देख लेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल द ड्राइवर्स। अपन अभी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं और मुझे पता है गाइस कि आपको स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, आपको आधी स्क्रीन दिख रही है क्योंकि मेरे पास कैमरामैन तो है नहीं और अच्छा कैमरा भी नहीं है। तो मैं तो अपने जो मोबाइल से मैं गेम खेलता हूँ वही मोबाइल से आपको ये शूट करके अनबॉक्सिंग एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो उतना एडजस्ट कर लेना। जो आधी स्क्रीन दिख रही है उसमें मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ वॉइस ओवर। तो ये मैंने लगभग 90% इंस्टॉल कर दिए थे ड्राइवर्स, उसके बाद उसको सिर्फ ओपन करना था, उसको थोड़ी से परमिशंस देने थे जो मैंने दे दिए, और अभी 2 सेकेंड में चालू कर देंगे इसका ड्राइवर। ये ड्राइवर बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सब आपको सामने दिख जाएगा। देखो उसमें आपको LED लाइटिंग दिख रहा है, LED लिखा हुआ दिख रहा है, वो देखो मैंने जो अभी टैप किया तो टैप करने से आपको LED इफेक्ट मिलेगा। आपको वो स्लो कर सकते हैं, आप फास्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने उधर स्लो किया यहाँ पे एकदम स्लो हो गई लाइटिंग, लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही स्लो हो गया है, और जैसे मैं उसको फास्ट करूँगा वैसे वो फास्ट हो जाते हैं। और आपको वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं आपके लाइटिंग इफेक्ट, आपको नियॉन चाहिए नियॉन रखो, आपको वेव चाहिए वेव रखो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है वो आप उधर से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि अपन तो संस्कारी लौंडे हैं नहीं, अपन को तो सब चाहिए, RGB लाइटिंग चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, अच्छा आवाज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भाई भरो पैसा, दाबो पैसा, ऐसा पैसा दाबो भाई, वन साइड अच्छे ईयरफोन आने चाहिए, ईयरफोन नहीं पे हेडफोन्स। हाँ, हेडफोन। तो अब बात आती है इस हेडफोन के प्राइसिंग की। तो ये हेडफोन मुझे अमेज़ॉन पे 3,390 रुपये का बता रहा था, पर उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो फ्लिपकार्ट पे 2,499 पे था, पर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं था। तो उसके बाद मैंने देखा कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे मुझे मिला ये 2,499 रुपीज़ का। मतलब फ्लिपकार्ट और कॉस्मिक बाइट बहुत सिमिलर है और उसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ही कम है, और फ्लिपकार्ट से भी लेंगे तो भी चलेगा पर उसमें ज़्यादातर स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता इस हेडफोन का, क्योंकि ये हेडफोन बहुत डिमांड में। तो गाइज आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। क्या हो रहा है जेरी, तेरी बोबड़ी क्यों उड़ रही है? डिस्क्रिप्शन में बोल, डिस्क्रिप्शन में। हाँ गाइज, सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तब तक आप देखो ये स्लो मोशन शॉट्स और मजे लो इसकी RGB लाइटिंग। तो मिलते हैं और एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो में या फिर कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय Thank you.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.